उस्ताद अतरयाद निजामी साहब के लिए जोरदार धन्यवाद। बहुत अच्छा गाते हैं, इनके बहुत सारे सूफी कलाम हैं जो आपने सुना होगा यूट्यूब पे। गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है। बोल बेटा सोनू, सोनू हयात बोल। सबसे पहला शागिर्द है, सिर्फ 11 साल का था, अब माशाल्लाह 36 साल का है। जोरदार तली हो जा रहा है उसके लिए। 36 का है कितने का है? 40 का है। 40 मुझसे बड़ा लग रहा है, मैं छोटा लग रहा हूँ। ए मेरे मालिक, मेरी जवानी को दुश्मनों की नजर से बचाई हो। बहुत सारी बात महाराज की। गरीब होना सिवा किसी ने मेरा दर्द सुना। कौन को सुना जाता है? दोनों हाथ ऊपर। बंदा गरीब है, किसी को पसंद है? रेडी 1 2 3 4 मुझे
इस भजन का मैसेज यही है कि दोनों हाथों पर एक आवाज है, रेडी वन टू थ्री सिंगरों के मेरी दुआएं हैं, जो मुझसे जूनियर हैं उनके लिए हमेशा दुआएं हैं। दोनों दुआ करेंगे, केवल है ये बंदा करीब है। मुझे नहीं पता, मुझे एक बात पता चली है कि हमारी छोटी बहन ने कहा है कि अफसर भैया ये जम्मू की है, शिवानी जी, और जिन्होंने बोले दी बारात लिखी है वो यही राइटर है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, कमाल है। आप छुपे हुए, कमाल है, थैंक यू। प्लीज यहाँ तो बुलाया आ गया, बड़ी बड़ी आई, मेरी नजर में सब बराबर है। मैं कभी छोटा बड़ा नहीं देखता, न मैं पदवी देखता हूँ, मैं तो दिल देखता हूँ, क्योंकि इसके दरबार में भी अगर पदवी देखी तो फिर दिल का क्या फायदा। दोनों हाथों पर ये करीब है
बाबूजी जितने भजन आप सुन रहे हैं ये नासी जी लिखता है थोड़ा बहुत। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहला भजन लिखा था, गजलें तो बहुत लिखी है, कवाली बहुत लिखी है, वो भजन था कि तुम्हारी चश्मे कर्म हो तो काम हो जाए, अदा से देख लो किस्सा तमाम हो जाए, तुम्हारे दर पे मैं करता हूं इसलिए सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। वो जिस रात की ना हो कोई सुहाग, जिस रात की ना हो कोई सुहाग, वो रात सब तेरी जिंदगी है, वो रात सही तेरी जिंदगी है, वो रात सही तेरी जिंदगी है, वो जिस बात का ना हो कोई मतलब, वो बाकी सब इसकी भी हाथी लगाऊंगा। तुम हमारे बच्चों यार आगे तुम्हें ही संभालना है, बैठो बैठो यार। ये बंदा गरीब है, ये बंदा गरीब, ताली बजाओ। क्या बात है, एक बार बता दूं, संगत में और सोबत में फर्क होता है। संगत बनाई जाती है, सोबत इख्तियार की जाती है। ये जो गा रहा है ना, ये भाव है इसका, और जब भाव लगता है ना तो बड़े बड़े चीजों की कीमत घट जाती है, क्योंकि भक्ति में भाव देखा जाता है, पैसा नहीं देखा जाता। जो इस बात को मानता है दोनों हाथों में, क्या बात है। ये मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए, मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए, मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए, मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए। बोला दुबार, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसे अपनी जवानी की कसम। मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, पाकिस्तान 91 में। तो जब मैं 91 के बाद इंडिया आया 92 में, तो मैंने सोचा यार क्या काम करूं। मुझे मॉडलिंग का शौक था, मैं हीरो बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था बाबू मुझे ऐसा हीरो बना देंगे। बोल साईं नाथ महाराज, सच्चाई बता रहा हूं। जब 92 में मैं इंडिया आया, मैंने देखा जागरण में चंचल जी, गजलों में जगदीश सिंह जी, कव्वाली में बड़े बड़े कव्वाल,
हर लाइन में कोई ना कोई अपना उस्ताद बैठे थे। मैंने मालिक से कहा, मैंने मालिक मेरे लिए भी कोई जगह रखी है, सुनने की बात है, सच्चाई बता रहा हूं। एक दिन में निजामुद्दीन औलिया दरगाह से लोधी रोड मंदिर चला गया। कहां? लोधी रोड मंदिर। जब मैं वहां गया तो वीरवार का दिन था, वहां पर एक सरदार जी भजन गा रहे थे, वो भजन बड़ा मशहूर है। कौन सा था वो भजन जो गाते थे? अभी एक मिनट, बाबा मेरी रक्षा करना, वो भजन गा रहे थे। मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरे साथ ये ढोलक पे था मेरा भाई, ये मेरा भैनोई भी, मेरा दोस्त भी। ये और मैं वहां जब गए तो मैंने देखा यार यहाँ पर, चलो अंदर चलते। जब अंदर गए तो हमने क्या देखा, वहां पर इतनी भीड़ नहीं होती थी उस जमाने में, 92 की बात बता रहा हूँ आपको, इतनी भीड़ नहीं होती थी लोधी रोड मंदिर। तो वहां पर जब हम गए तो हमने देखा कि वहां गा रहे हैं, तो मैंने कहा यार चल हम भी हल्दी देते हैं। हम दोनों भाइयों ने वहां पर जैसे हल्दी देने लगे, तुम्हारे चश्मे कर्म हो तो काम हो जाए, अदा से अधिक लोग किस्सा तमाम हो जाए, तुम्हारे तर पे मैं करता हूं इसलिए सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। गुलामी तेरे सगे दर की हो नसीब जिसे, तो उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए, इसी उम्मीद पे मर मर के जी रहा हूं मैं, तेरे गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए। अब यकीन करना, ये भजन गाने के बाद जब मैं बाहर निकला तो जितनी संगत अंदर थी उतनी संगत बाहर थी। मुझे लोगों ने जानना शुरू किया, मेरी पहचान बन गई। आज बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है, बाबा ने कहा सबने अपना अपना को अपना लिया, अब मैं तुझे ऐसा अपनाऊंगा कि पूरी दुनिया तुझे अपना लेगी। मुझे किसी इंसान ने नहीं, मुझे किसी ऑर्गेनाइजर ने नहीं, मुझे किसी इवेंट ने नहीं, मुझे किसी बंदे ने नहीं, मुझे साईं ने चुना है। मैं चाहूंगा मेरे साईं के लिए जोर रखा। ओ मेरे साईं को जिसने भी वहां भी आपकी दुआ से दिल्ली से सबसे पहले यही नाचिस गया है, उसके बाद तो सारे वरना इससे पहले दिल्ली में कोई भी नहीं जानता था लाडी शाह बुरा शाह दरबार कहां है। जब मैं पहली बार गाकर आया था तो मैंने वीडियो बनाया, तो उनके संस्था वालों ने कहा कि अफसर भाई वीडियो मत बनाइए, हम वीडियो बनाने नहीं देते। मैंने कहा हुजूर वीडियो नहीं बनाए कोई बात नहीं, लेकिन लाडी शाह का वो कर्म होगा कि लाडी शाह पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में छा जाएंगे। आज लाडी शाह मुराद शाह का वो मकाम है कि जो कव्वाल बेचारे घरों में बैठे रहते थे, आज उनकी रोटी रोजी लाडी शाह मुराद शाह जी की वजह से चल रही है। दोनों नंबर 1 2 3 उसे दुनिया मिटा नहीं सकती, उसे दुनिया मिटा नहीं सकती, जो दिन पे तारीफ है। सिर्फ अपने नाम में साइन लगा लो, दुनिया खुद ब खुद तेरी मुरीद हो जाएगी। बोल साईनाथ महाराज की, ये बंदा।